हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस की तरफ से एक बार फिर से डिफर्मेंट ईमेल, और जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं कि डेट ऑफ जो जॉइनिंग है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इसी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये एक और चीज़ बता दूँ, ये आई थिंक जब हमने लास्ट इन्फोसिस की अपडेट कवर की थी, आई थिंक थर्ड या सेकेंड जो हमने अपडेट कवर की थी ना इन्फोसिस की, उसमें यही थी। एक तो रिएक्शन से रिलेटेड था और एक था यही वाला डिफर्मेंट हुआ था, और एक में जो पेंडिंग थी उनके ऊपर बात की गई थी। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको वन वन बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले, हमारे चैनल पे न्यू हो और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि इन फ्यूचर में किसी भी प्रकार के किसी भी टॉपिक पे अगर कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑलरेडी हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, ठीक है, चाहे वो किसी भी कंपनी से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी चीज़ की हो, हमने वीडियो जरूर बनाई है। अभी तो रिसेंटली ऑफ कैंपस हायरिंग के ऊपर ही ज़्यादातर जोर है, क्योंकि किसी भी तरह से कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिली है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गवाए। ठीक है, तो ये इसमें होता क्या है ना, जैसे एक्सटेंशन में आपको जो भी डेट वगैरह है, तो की क्या लिखा हुआ, टू कीप यू इन्फॉर्म योर 8th मई DOG हैज़ बीन एक्सटेंड एंड यू विल बी रिसीव द न्यू डेट ऑफ जॉइनिंग। ठीक है, तो जैसे कि जो जिसकी लास्ट डेट थी जॉइनिंग की, जिसकी लास्ट वाली डेट थी मान लो 8 मई की, जिनको ये वाली डेट मिली होगी, ठीक है, क्या पता सभी को आई हो, क्या पता सभी को नहीं आई हो, तो उसमें होता क्या है, ये लोग ना आपको बोलते हैं वेट करने को। तो इसमें सीन ये हो जाता है ना, क्योंकि मई तो आपको पता है अभी 2 महीने बाद है, और अभी ये 1 महीने पहले आप एक डेढ़ महीने आपको पहले ही आ गया कि आपकी ज्वाइनिंग होगी, एक्सटेंड होगी। तो अब ये जो है ना, इनके जो अगर आप इन्हें ईमेल वगैरह करते हो कि कब तक मिलेगी हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला आपको। वो लोग बोलेंगे कि इनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको न्यू डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिलेगी। ये मत सोचना कि आपको ये ईमेल आ गया कि हाँ आप तुरंत आपको नेक्स्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिल जाएगी, क्योंकि लास्ट वाली जो ज्वाइनिंग एक्सटेंड हुई थी ना, देखिए तो इवन मैंने यहाँ पे मेंशन किया दिसंबर 2022 में था, और ये आया था पहले था अक्टूबर में, फिर हुआ दिसंबर में, दिसंबर से हुआ मार्च में, मार्च से हो गया था मई, और मई से हो गया और आगे। तो ये बढ़ता ही जा रहा है, उसका कारण तो आप खुद ही जान सकते हो। ठीक है, एक रिसेशन वगैरह सीन है, यही सारी चीज़ें होने की वजह से एक्सटेंड होते ही जा रहा है। ठीक है, ये नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको जॉइनिंग मिलेगी नहीं, बट ये ना ऐसा नहीं है कि हाँ यार इस दिन मिल जाएगी, कोई ऐसा ना टाइम सेगमेंट नहीं है, कभी भी मिल सकती है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। ठीक है, तो चलो मैं आपको स्क्रीनशॉट वगैरह दिखाता हूँ। स्क्रीनशॉट में भी देख पा रहे होगे ऑनबोर्डिंग, ईमेलिंग वगैरह। बाकी ना आपको सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी कोई भी आपको ईमेल आता है चाहे जॉइनिंग ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड, यहाँ पर ना @infosys.com लिखा होना चाहिए उसके बाद, ठीक है, तभी ये ईमेल वैलिड होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पे देख सकते हो, कीप यू इन्फॉर्म्ड यूअर 8th मई जो भी थी ज्वाइनिंग थी वो एक्सटेंड हो चुकी है। ठीक है, प्लीज़ बी इग्नोर द लॉन्च पर क्रेडेंशियल विच यू हैव रिसीव्ड। तो जो भी आपने क्रेडेंशियल वगैरह रिसीव किए हैं उसे इग्नोर करिए, ऐसा नहीं कि दोबारा आपको न्यू मिलेंगे, क्रेडेंशियल वही रहेंगे। ठीक है, बाकी आपको जब न्यू डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिलेगी तब आपको फिल आउट करना होगा। बाकी आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, तो हमारे चैनल पर अगर आप जाओगे ना, तो यहाँ पर अगर सर्च करते हो डिफर्मेंट या एक्सटेंशन, तो आपको ना बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेगी। ये देखो, 27 फरवरी से लेके 22 मई, 13 मार्च से लेके 12 जून, पर ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो है, काफ़ी बार डिफर्मेंट हुई है। और यहाँ पर अगर वीडियो भी आप देख पाओगे, एक नहीं है, दो नहीं है, बहुत सारी वीडियो होंगी ना हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। एक बार आप जाके गो थ्रू होगे ना, आपको पता लगेगा कि हाँ ये इन्फोसिस ने ये काफ़ी बार किया हुआ है। ठीक है, तो ये हर एक बार हमने आपके लिए वीडियो वगैरह कवर की है। ठीक है, सिस्टम एसोसिएट की थी, चाहे सिस्टम इंजीनियर की थी, हर बार हमने आपके लिए कवर कर रखी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार आई है, बहुत बार आई है, और हर बार का हमने देख सकते हो यहाँ पे रिस्केड्यूल जॉइनिंग 5 दिसंबर से 2 जनवरी, जो मैंने पहले बात की थी ना कि पहले दिसंबर में थी, अक्टूबर में थी, फिर दिसंबर में हुई, यही सारी चीज़ें ऐसे ऐसे होती रही, तो हर बार हमने आपके लिए कवर किया है। तो बाकी स्क्रीनशॉट में भी ज़्यादा कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, आपको सब्जेक्ट मिल जाता है जिसमें लिखा था DOG एक्सटेंशन, और बाकी कॉन्टेंट में आपको यही लिखा होता था कि जो भी आपकी 8 मई 2023 की ज्वाइनिंग थी वो आपको न्यू डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिलेगी, और इनकी जो कम्युनिकेशन टीम है आपको बताने, और जो आपकी इनकी रिक्रूटमेंट टीम है आपको बताएगी कि आपको न्यू डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब मिलेगी। बाकी मैंने आपको बता भी दिया पहले भी कि इनकी जो ज्वाइनिंग आपको एक्सटेंशन ज्वाइनिंग मिलेगी, मान लो चाहे जून में मिलती है, जुलाई मिलती है, और डिपेंड करता है इनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर जून जुलाई में इनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट है तभी आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। चाहे आपको हो, चाहे जितनी मर्जी वीडियो देख लो, यही सब बोलेंगे, चाहे ठीक है कि बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही मिलने वाली है, चाहे आप इन्हें ईमेल करो चाहे जो मर्जी करो। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, बाकी पसंद तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जिसकी आप
एक्सटेंशन हुई है उसे ही पता होगा। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।